ज्वैलरी की दुकान ते गोलियां चलियां ने। दिन दहाड़े दो नकाबपोश बाइक ते सवार होके आउंदे ने अते लुट की साजिश दे नाल ओह ज्वैलरी की दुकान च दाखल होंदे ने अते अंदर वड़दिया ही उन्हां वल्लों दुकानदार नूं स्टोर च लिजा के उस नाल पहलां कुटमार की जाती है, फिर मौके ते ही उन्हां दे वल्लों फायरिंग भी की जाती है, जिस तों बाद लुटेरियां दे वल्लों दुकान च पए गहणियां नूं अपना निशाना बनाया जाता है अते उस तों बाद ओह मौके तो फरार हो जाते हैं। तां वड्डी खबर मोहाली तो सांझी कर रहे हैं, जिथे कि एक ज्वैलरी की दुकान ते दिन दहाड़े लुट की वारदात हुई है, गोली चली है। दसिया जा रहा है कि एक तो दो राउंड के करीब फायरिंग हुई है और पहला जिवें ही दुकान के मालक दुकान खोलते हैं अंदर अपना कामकाज शुरू करते हैं तो इन्ने चिर में ही दो जो लुटेरे सीगे वो बाइक से सवार होकर आते हैं, स्पलेंडर बाइक से दसिया जा रहा है कि वो सवार होकर आते हैं। फिर दुकान च दाखिल होंदया ही उन्होंने दुकान के मालिक नूं स्टोर च लिजा के उस नाल पहला कुटमार की, फिर उन्होंने दुकान विच पए गहणियां नूं अपना निशाना बनाया अते ओह लखां दे गहणियां नूं लै के मौके तो फरार हो गए। हालांकि इस दौरान फायरिंग भी हुई है, एक तो दो राउंड दसे जा रहे हैं कि फायरिंग हुई है अते पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस दे वल्लों आसे पासे दीआं सीसीटीवी तस्वीरां खंगालियां जा रहीआं ने कि तां जो जल्द तो जल्द जो बनदी कार्रवाई है वह की जा सके। तो वड्डी खबर मोहाली तो सामने आई है, जिथे कि एक ज्वैलरी की दुकान नूं लुटेरियां दे वल्लों अपना निशाना बनाया गया। दो नकाबपोश लुटेरियां ने इस वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता। हालांकि बचाव इस यह रहा कि फायरिंग के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर जो कह सकते हैं कि वड्डी घटना वापरी है। एक ज्वैलरी की दुकान से दिन दहाड़े शरेआम बाजार के विच दो नकाबपोश लुटेरे बाइक पर बैठ के आते हैं, उन्होंने वल्लों लखां दे गहणियां नूं अपना निशाना बनाया जाता, जिस तों बाद वह लुट करके मौके तो फरार हो जाते हैं। बस अंदर आके फिर उन्होंने मतलब मैं पिछों फट ले गए, तो मैं बहुत औखा हो गया इतों मारा कुटाई करते करते गेट खोलिया आगे, फिर इन्हें अंदर वो सारा समान चक के बैग च पा के बाहर आके पिस्टल खा के सब चल गए। चार साल हो गए कल ही दुकान मैं उस मौके से कला ही। हाँ जी, ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਨੇ? ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੈਨਾ ਸੀ, ਟੋਪਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਡੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ, ਡੱਬਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਸਟ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੋਰਸ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੌਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ ਇਹਦਾ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੋ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹਦੀ? 25 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੈਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਜੈਸੇ ਵੋ ਆਏ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਿੱਠੀ ਮਾਰੀ ਪਕੜੋ ਪਕੜੋ, ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੀ ਬੰਦੂਕ, ਦਿਖਾ ਦੀ ਬੰਦੂਕ, ਦਿਖਾਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ मुंह वगैरह उनका ढका हुआ था। हाँ, सब मुंह वगैरह सब ढका हुआ था, खाली खाली आके आके थी उसकी। ठीक है, कौन सा मोटरसाइकिल कौन सा था कुछ देखा आपने? स्प्लेंडर बाइक थी। स्प्लेंडर बाइक थी। हाँ, स्प्लेंडर तो बाइक। किस तरफ दौड़े हैं ये लोग? वो बिल्कुल स्ट्रेट गए, लोगड़ वाली तरफ। हाँ। दौड़ गए। मोटरसाइकिल नंबर नंबर देखा 112 एमरजेंसी रिस्पॉन्स की कॉल आई थी, इतने दिव्या ज्वेलर्स है उन्होंने एक फायरिंग हुई है, कोई लूट करने की कोशिश की गई है, तो अभी आगे मौका देखा तो वाकई दो जड़े नकाब पोश मूँह बन के आए थे जो बंदे आके उन्होंने कोशिश की थी इतने बाइक तो जोड़े भजे ने तो फायर किया इन्होंने इतने तो वो जांच चल रही है। ठीक है, जल्दी तो जल्द FIR लॉन्च करके जल्द तो जल्द कुछ फायर फायर तो देखो हले तक तो एक दी सू आई है भी हाँ भी उन्होंने जो फायर हवाई फायर किया कोई लगी तो नहीं किसी किसी से कोई सट नहीं लगी सब सर समान कितना हले तक देखो जो रिपोर्ट कर रहे उन्होंने कोल तो कोई लुट नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने पहले ही लाम रेस करता लड़के ने आप रौला पा लिया तो उसी और डरते भज गए। कोई CCTV तो पता लगा किन्ने के जाने से दो जने की हले तक सामने इन्फॉर्मेशन आई है, बाकी असं हले खंगाल रहे हैं जो भी दोषी होगा।